हेलो एवरीवन, आई एम प्रेरणा एंड वेलकम टू चैनल यूट्यूब सहेली। फ्रेंड्स, आज हम एक स्पेशल अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे ही एक महिला प्रेग्नेंट होती है, उसके शरीर में कई तरह के सिम्टम्स अपीयर होने लगते हैं। बहुत सारी महिलाएं जिनको प्रेगनेंसी सिम्टम्स होते हैं, और ऐसे भी कुछ महिलाएं हैं जिनको प्रेगनेंसी सिम्टम्स नहीं होते हैं। लेकिन स्किन में चेंजेस एक बहुत ही अलग तरह का प्रेगनेंसी सिम्टम है, जिसको अक्सर हम समझ नहीं पाते हैं। अगर आपकी डेट मिस हो गई है और आपको आगे बताए हुए कुछ स्किन में चेंजेस महसूस होते हैं, तो आप अनुमान लगा सकती हैं कि आप कंसीव कर चुकी हैं और इस समय आपको प्रेगनेंसी केयर की बहुत ज्यादा जरूरत है। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं यूट्यूब सहेली चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें, ताकि आपको डेली के नोटिफिकेशन मिलते रहें। फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान स्किन में क्या क्या चेंजेस होते हैं, स्किन के चेंजेस अर्ली प्रेगनेंसी को कैसे बताते हैं और इसका कारण क्या होता है। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान स्किन में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, वो सेकेंड ट्रेमेस्टर में, थर्ड ट्रेमेस्टर में भी होते हैं। लेकिन आज हम स्पेशली बात करेंगे एकदम शुरुआती दौर में, प्रेगनेंसी के एकदम शुरुआती दौर में, डेट से पहले, डेट के आसपास या डेट के तुरंत बाद। अगर डेट मिस हो गई है तो स्किन में अगर चेंजेस आ रहा है, तो अपनी प्रेगनेंसी को कैसे पहचाना जा सकता है। तो रिसर्च के द्वारा ये देखा गया कि अर्ली प्रेगनेंसी के दौरान स्पेशली तीन तरह के चेंजेस महिला के स्किन में नोटिस हुए। सबसे पहले हम उसके कारण जान लेते हैं। अर्ली प्रेगनेंसी के दौरान स्किन में जो बदलाव आता है, उसका एक प्रमुख कारण है हार्मोनल फ्लक्चुएशन, हार्मोन के स्तर में होने वाला बहुत तेजी से बदलाव। ये बदलाव कुछ विशेष हार्मोन की बढ़ोतरी करता है, और उन हार्मोन्स की बढ़ोतरी से शरीर में तरह तरह के बदलाव आते हैं, और उन्हीं में से एक है महिला के स्किन में होने वाले बदलाव। तो आइए देखते हैं कि कौन से बदलाव अर्ली प्रेगनेंसी में होते हैं। सबसे पहला है स्किन पे ग्लो आना, एक अलग सा ग्लो, एक अलग सी शाइन, जो कि आप बहुत प्रयास करके भी नहीं ला पाते। लेकिन अगर आपकी डेट मिस हो गई है या पीरियड्स आने वाला है, आप भी प्लान कर रहे हैं और आपके स्किन पे एक डिफरेंट टाइप का ग्लो दिख रहा है, तो हो सकता है कि आप कंसीव कर चुकी हैं। इसका साइंटिफिक लॉजिक क्या है, इसका बायोलॉजिकल रीजन क्या है? फ्रेंड्स, जैसे एक महिला कंसीव करती है, कुछ हार्मोन्स जो कि प्रेगनेंसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, गर्भ में पल रहे शिशु के विकास के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनकी मात्रा बढ़ती है, और वही हार्मोन्स हमें प्रेगनेंसी किट में टेस्ट करने पे भी दिखते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि अर्ली प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन से बदलाव महिला की स्किन में देखे जा सकते हैं। सबसे पहला बदलाव है एक डिफरेंट ग्लो, एक बड़ा ही खूबसूरती, एक बहुत सुंदर सा निखार महिला के चेहरे पे देखा जा सकता है। ऐसा क्यों होता है? शरीर में ऐसा क्या होता है कि इस समय महिला का चेहरा खिला खिला, निखरा सा, एक डिफरेंट टाइप का ग्लो देखने लगता है? तो जैसे ही एक महिला कंसीव करती है, गर्भधारण हो जाता है, तो ब्लड का वॉल्यूम यानी कि शरीर में खून की मात्रा बढ़ती है। खून की मात्रा बढ़ने के साथ साथ ब्लड का सर्कुलेशन यानी कि पूरे शरीर में रक्त का संचार भी बढ़ जाता है। इस समय ब्लड वॉल्यूम में 40% इंक्रीज हो जाता है, 40% तक खून की मात्रा बढ़ जाती है। खून की मात्रा बढ़ने के साथ ही रक्त संचार बढ़ता है। रक्त संचार बढ़ने का कारण यह है कि शरीर को बहुत ज्यादा मात्रा में पोषक तत्व और ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो इस वजह से आपके शरीर के सभी अंगों को बहुत अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन और पोषण मिलता है। उसी तरह से आपकी स्किन को भी बहुत अच्छा ऑक्सीजन और पोषण मिलता है। ये रीजन है कि आपका चेहरा ग्लोइंग दिखने लगता है अर्ली प्रेगनेंसी के दौरान। पॉइंट नंबर टू, अर्ली प्रेगनेंसी के दौरान कई महिलाएं महसूस करती हैं कि उनको बहुत ज्यादा पिंपल्स, एक्नेस, चेहरे पे फोड़े फुंसियां होने लग गई हैं। ऐसा क्यों होता है? चेहरा बहुत ज्यादा ऑयली लगने लग गया है, ऐसा क्यों होता है? इसका कारण है शरीर में होने वाले हार्मोनल चेंजेस। जैसे ही शरीर में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मात्रा बढ़ती है, जो कि आपके गर्भ को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी है, वैसे ही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की बढ़ी हुई मात्रा स्किन के नीचे यानी कि हमारे स्किन में जो ऑयल पैदा करने वाली ग्रंथियां हैं, सीबेशियस ग्लैंड्स हैं, उनसे सीबम का प्रोडक्शन बढ़ा देता है। अब जब ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ता है, तो वो ऑयल फेस पे आता है, और बहुत ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन होने की वजह से एक्नेस और पिंपल्स महिलाओं को होने लगते हैं। पॉइंट नंबर थ्री, अर्ली प्रेगनेंसी में कई महिलाओं को चेहरे पे बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन दिखने लगता है, हल्की हल्की झाइयां आती हैं, या फिर उनके छोटे छोटे जो पिगमेंट्स थे वो थोड़े उनको बढ़े हुए लगते हैं। ऐसा क्यों? पिगमेंटेशन क्यों बढ़ जाता है अर्ली प्रेगनेंसी में? ऐसा इसलिए कि प्रेगनेंसी हार्मोन की जैसे ही मात्रा बढ़ती है, तो उसके प्रभाव से झाइयां और धब्बे के लिए जो रिस्पॉन्सिबल सेल्स हैं मिलेनोसाइट्स,
उनका प्रोडक्शन ट्रिगर कर देते हैं, स्टिमुलेट कर देते हैं, बढ़ा देते हैं प्रेगनेंसी हॉर्मोन्स। इसीलिए अर्ली प्रेगनेंसी में आपको अपने जो पिगमेंटेशन है वो बहुत ज़्यादा दिखने लग जाते हैं और धीरे धीरे सेकेंड और थर्ड ट्रिमेस्टर में ये बढ़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, स्किन में चेंजेस प्रेगनेंसी के शुरुआती दौर से ही शुरू होता है। आप इन चीज़ों को नोटिस करके समझ कर अपनी प्रेगनेंसी को प्रेडिक्ट कर सकती हैं और अपनी स्किन की एक्स्ट्रा केयर भी कर सकती हैं। जब भी आपको लगे कि आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा ऑयल आ रहा है तो अपने चेहरे को दिन में 4 से 5 बार पानी से ज़रूर धोएं। 2 से ज़्यादा बार फेस वॉश का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। आप नेचुरल चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि मुल्तानी मिट्टी, बेसन। अगर चेहरे पे ज़्यादा ऑयल आता है तो इन चीज़ों से आप अपने चेहरे को वॉश कर सकते हैं या इनको थोड़ी देर के लिए स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह बने रहिएगा मेरे साथ यूट्यूब सैली चैनल पे। लेकिन प्रेगनेंसी केयर और बेबी केयर से जुड़ी जानकारी को देखने के लिए यूट्यूब मॉम चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।